टेक्सटाइल सिटी भिलवाड़ा में लॉकडाउन के बीच बंद रहे कपड़ा उद्योगों में श्रमिकों और भुगतान को लेकर बना गतिरोध। जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट की मध्यस्थता से फैक्ट्री मालिकों और श्रमिक संगठनों में सहमति बनने से खत्म हो गया। अब जल्द ही भिलवाड़ा का कपड़ा उद्योग पटरी पर लौट आएगा। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष पन्नालाल चौधरी ने कहा कि लॉकडाउन के बाद फैक्ट्री मालिकों और हमारे बीच वेतन को लेकर गतिरोध चला आ रहा था, जिसको लेकर हमारे बीच कई बार बैठक हुई लेकिन समझौता नहीं हो पाया। बुधवार को जिला कलेक्टर ने जो हमारा समझौता करवाया है उसके लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं। भिलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल ने कहा कि श्रमिक संगठन और हमारे बीच अप्रैल माह के वेतन को लेकर गतिरोध चला आ रहा था। इस पर आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि हम अप्रैल से 15 मई तक का श्रमिकों को गुजारा भत्ता के तौर पर 4,000 रुपये तय किया गया। इसके साथ ही आने वाले दिनों में ठेकेदार को प्रोडक्शन के अनुपात में भुगतान किया जाएगा। वहीं जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने कहा कि गतिरोध को दूर करने के लिए पहले हमने अलग अलग चर्चा करके इनकी समस्याओं को जाना और बाद में आपसी चर्चा के आधार पर हमने आपसी समझौता करवाया, जिसमें लेबर एसोसिएशन और उद्योगपति दोनों ही खुश हैं। आज जो हमारा जो चर्चा हुई है वो एक लॉकडाउन जो पीरियड था उसका और हमारे और मतलब मिल मालिक के बीच में हमारे जो समझौते की बात थी तो उसके लिए हम लोगों को यह मीटिंग के लिए बुलाया था। और अच्छे वातावरण में अच्छी बात हुई है और सभी मजदूर भी खुश है इसमें और हमारे मालिक भी खुश है और उनको सहायता मिल गई और मालिक को भी रिलीफ मिली है। तो ऐसा मेरा मानना है अध्यक्ष के नाते कि सब श्रमिक इसको स्वीकार करेंगे और मतलब अच्छी वातावरण बनेगा आगे के लिए। जो लेबर यहां से प्लान नहीं करे, हम लोग ये चाहते थे कि एक मैसेज ऐसा दे मिलके जो हमारे शुद्ध वातावरण बने और लेबर प्लान नहीं करे और हम लोगों को इंडस्ट्री चलाने में कोई तरह की बाधा नहीं आए। और हम क्लब साहब को धन्यवाद देते हैं। आज सभी श्रमिक संगठन यहां पर उपस्थित थे और उद्योगपति भी सब यहां पर थे, साथ ही उनकी एसोसिएशन कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिर उसका वीविंग एसोसिएशन, वो सारे लोग यहां पर थे। और कुछ चीजों में डेडलॉक बन गया था, आपसी इनकी 3-4 वार्ताएं हुई थी लेकिन उसका कई कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही थी। तो आज दोनों को बुलाया गया और जो जो डिफरेंस के पॉइंट्स थे उनको बैठकर क्लियर किया गया। दोनों से पहले अलग अलग वार्ता की गई, फिर सामूहिक इनकी वार्ता कराई गई और एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत जो मजदूरों की डिमांड्स थी और जो इंडस्ट्रीज जो चाहते थे कि किस तरह दोनों में सामंजस्य हुआ और मार्च तक के जितना इनका मजदूरों का पेमेंट बकाया है कई इंडस्ट्रीज में वो 2 दिवस के अंदर मजदूरों को दिलाया जाएगा। और 1 अप्रैल से लेकर आज तक या जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक का 4,000 रुपया हर मजदूर को दिया जाएगा। और साथ ही जो आने वाला समय है, जो कि इंडस्ट्रीज अभी 100% रन नहीं कर पाएंगी और लेबर जो है वो एक शिफ्ट में आएगी, तो रोटेशन ऑफ लेबर को किस तरह से करना है और जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स हैं उनका भी ये रहा कि उनके जो संगठन के लोग थे उनसे भी बात हुई कि प्रोडक्शन के साथ उनका जो वेजेस है वो फिक्स किए गए। सेंट ज्योति फुले पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल लोकेटेड इन पुरोहितों की माद्री उदयपुर। वी प्रोवाइड एजुकेशन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 10 अलोंग विद वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब्स, ई क्लासरूम्स विद इंटरैक्टिव टीचिंग एड्स एंड लर्निंग मेथड्स। Our unique playway method of teaching unlimited number of students in each class ensures every child's overall development. Extracurricular activities like indoor and outdoor games, daily yoga sessions, dance classes and time-to-time educational field trips help children refresh and rejuvenate their overall growth.